नमस्कार, मैं हंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में एक हादसा हुआ है जिसमें दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। ये पूरा मामला हाफिजगंज का बताया जा रहा है, जहां पर कल रात एक बारात निकल रही थी और उस बारात का बैंड हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ जाता है। इसी बारात में शामिल थे दो लड़के जो कि लाइट पकड़ने का काम करते हैं, उनको भी करंट लगता है और साथ ही तीन अन्य लोगों को भी इसमें करंट लगता है। उनको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सबसे पहले नवाबगंज CSC इन सबको ले जाया जाता है, जहां पर दो जो बच्चे थे जो लाइट पकड़ने का काम करते थे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं इन बच्चों को बैंड का जो मालिक बताया जा रहा है कि वो बहला फुसलाकर रात को ले जाता था और 100-150 रुपए देने के बाद इनको रात के 12-1 बजे छोड़ देता था। कल भी कुछ यूं ही हुआ था, बैंड का जो था वो इन बच्चों को ले गया था साथ में। जैसे ही ये बारात आगे को चलती है और एक कार को बचाने के लिए जब आगे बैंड की जो ठेली है उसको बचाने का प्रयास किया जाता है, जो खुले तार थे हाई टेंशन लाइन के उसकी चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई है और तीन घायल हैं, जिसमें एक नवाबगंज CSC में ही भर्ती है और उसके बाद उसको निजी अस्पताल में रेफर किया गया है, तो वहीं पर नवाबगंज में है, और दो अभी बरेली भेज दिए गए हैं। हमारे साथ सचिन कुमार जिनका नाम था, उनके पिता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे उनको सूचना मिली। साहब, ये जवरिया ले जाया करते थे, मतलब बच्चों को बहला फिसला के, फिर उसके बाद में इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो बिजली के मतलब मुझसे मौत हो गई इनकी। अच्छा, तो कब मतलब जो है अक्सर ले जाया करते थे या कल ही पहली बार ले गए थे? नहीं साहब, बीच खुल ले जाया करते थे जी। ये क्या नाम है बैंड मालिक का जो ले जाया करता था? दिलशाद था। अच्छा, हाँ। तो ये क्या नजदीक में आपके घर के पास में इनकी दुकान है? हाँ साहब, अड्डे पर दुकान है, राय घाट पर। अच्छा, कितने रुपए देते थे आप? 150 रुपए साहब। जब आपको सूचना मिली तो फिर कहाँ पर इनको जो है आपने पाया अपने बच्चों को? हमने साहब सरकारी अस्पताल में ही पाया था, नवाबगंज। हाँ हाँ, हमारा सचिन जान खो बैठा था जब हम गए थे। कितने बच्चे हैं आप? हमारे साहब 65 है। आप मतलब कौन सा सबसे छोटा था या बड़ा था? सचिन सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा? हाँ साहब। आप क्या करते हैं? मजदूर है साहब। कोई खेती बाड़ी, कोई जमीन? नहीं, ऐसे ही 1-1.5 बीघा है, उससे क्या साहब होता गांव में, मजदूरी करते हैं। आपको कभी पहले पता हो ये बैंड में जाता है, इस तरीके से लाइट पकड़ने का काम है करता है, मना वगैरह? नहीं साहब, मना किया था हमने, कल भी किया था तो बोला पापा का गाते वो कह रहे हैं जबरिया, कह रहा है आज भर चलो, इसके बाद पैसे हम तुम्हें दे देंगे सारे ही। टोटल कितने रुपए से महीने में साल में कमा लेता? नहीं साहब, वही 150 के हिसाब से देते, कभी कभार जाता, रोज जाता भी नहीं था, वो पता नहीं चलता, तब चला जाता बच्चों के साथ में और ये लेवा के ले जाते थे। कुछ बच्चे साहब इसने ऐसे कर रखे हैं कि दारू वारू पिला के उन्हें, मतलब और लोग हैं ना राठा लोगों ने, तो उन्हें दारू वारू पिला के मतलब मेड़ मच्छी खिला देता होगा, तो वही गिरे हुए थे इसके, तो उन्हें के साथ में इन बच्चों को भी ले गया था। दूसरा जो बालक है जिसकी मृत्यु हुई है, उसके भी पिता यहाँ मौजूद हैं, उसका भी नाम सचिन है। कैसे ये पूरी घटना हुई और फिर उसके बाद आपको सूचना मिली, कैसे आपको पता चला? साहब पता क्या लगा, जब फोन आया वहाँ से अस्पताल से, तो हम लोग गए थे, उसके बाद देखते हैं तो वो तो अपनी दमी तोड़ गया था वहीं। क्या अक्सर डेली जाता था? नहीं, डेली जाता था, कभी कभी जाता था, रोड पर ही घर है हमारा। आपकी जानकारी में होता था ये जाता है? अब हमें उसे बाद में पता लगता था जी चला गया है। पहले हम उसको रोक के रखते थे, कहीं जाए नहीं, मगर वो निकल जाता था, पता लगा कि हाथ चला गया। जब लौट के आता था बताता कि मैं आज वहाँ के आया हूँ? अरे बताता नहीं था, चुपचाप डर के मारे लेट जाता था। तो ये थे सचिन के परिजन, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये बैंड मालिक था वो इन बच्चों को बहला फुसला कर के घर के पास में जो अड्डा था वहाँ से ले जाता था और 100-150 रुपए की खातिर ये बच्चे जो है लालच में आकर पहुँचते थे और इनको ये लाइटें पकड़ा दी जाती थी और ये पूरी बारात में लेके चलते थे। कल ये अचानक से एकदम हादसा होता है, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ये पूरी घटनाक्रम होता है, जिसमें 5 लोग झुलसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 की मौत हो गई है और बाकी का इलाज अभी फिलहाल चल रहा है, उनकी हालत में सुधार है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम इस ओर इंगित करता है कि कहीं ना कहीं लगातार बाल श्रम को रोकने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, ऐसे में ये जो पूरा घटनाक्रम है इसने दो परिवारों के चिरागों को तो बुझा ही दिया है और इनकी जो जिंदगियां हैं उनको झंझोर कर रख दिया है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं हंस माथुर। ये करंट लग गया, हम बैंड में गए थे, तार आई थी, हमने सेट किया, खेली की सुराही होती वो, उसमें तार टच हो गया, तई कर रहा था मैं जनरेटर की, मैं पकड़ू सरिया में करंट डाल कर, वो बहुत दूर गिर हो जाए, कभी मैं घूस ला रहा,
शाम को वो आते हैं, वो सब सब बच्चों से कहते हैं, सब बच्चे जाते हैं 300।